खाद के लिए अन्नदाता परेशान, मंडी में हुई मारपीट। 3 दिन से लाइन में लगे हैं सैकड़ों किसान। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है। सरकार लाख दावे करे, लेकिन जब किसानों को आवश्यकता पड़ती है तो सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। किसान को चाहे खाद की आवश्यकता हो या बीज की, या बेचने के समय हो, हर जगह किसान को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों शासन प्रशासन उत्सव मनाने में व्यस्त है, जबकि किसान बिना खाए पिए लाइन लगाकर खाद के लिए परेशान होता है। इन दिनों किसानों को खाद की आवश्यकता है, जिसके लिए 3 दिन से किसान लाइन में लगे हैं। बिना खाए पिए भूखे किसान 3 बजे से रात से लाइन में लगे होते हैं। शाम को 5 बजे जब उनका नंबर आता है तो काउंटर बंद कर दिए जाते हैं और अगले दिन आने की बात कह दी जाती है। दिन भर का भूखा प्यासा किसान लौट कर घर जाता है और फिर सुबह 3 बजे से आकर लाइन लगा लेता है। बुधवार को जहां कुछ किसानों ने घूस के रूप में शराब लेकर टोकन देने का आरोप लगाया, तो वहीं शाम होने के बाद किसानों के बीच विवाद हुआ और जमकर मारपीट हुई। पूरी परेशानी का कारण दलालों का सक्रिय होने का है। दलालों के सक्रिय होने के चलते जिनके जनप्रतिनिधियों के संपर्क हैं, अधिकारियों से साठ गांठ हैं, उन्हें फोन कर टोकन दिलाया जा रहा है, और जिनके नेताओं से संपर्क नहीं है, वह किसान धक्के खाते हुए खाली हाथ घर लौट जाता है। आइए सुनाते हैं किस तरह से बीज खाद के लिए किसान परेशान हो रहा है। कहाँ से आए हैं? तमारा से। कब से परेशान है खाद के लिए? तो मैं तीन दिन से लग आती हूँ और लौट के चली जाती। क्या समस्या नहीं मिलती। क्या क्या यहाँ पे हो गया? वही है, लाइन में लगो, फिर किसी दिन शाम हो जाए तो घर चले जाओ, और किसी दिन देंगे, किसी दिन फिर टोकन बांटेंगे, यही होगा। कभी नंबर आएगा, कभी ना आएगा। बीमार मारपीट हुई थी कुछ? मैं नहीं देखी मारपीट, तो मैंने देखी जो मैं नहीं देखी उसके लिए। कल 4 बजे से लगे सर, तो जब पहुँचे यहाँ खिड़की के पास, खिड़की बंद हो गई, टाइम हो गया था। फिर रात 4 बजे से आए तो 3रा नंबर था, तो फिर बोले कि ये टोकन वाली लाइन में लग जाओ, तो 40 नंबर में हो गए। तो उधर मारपीट हो गई, बंद खाद्य मारपीट आपस में किसानों की हो गई। तो हाँ, 40 में चले गए सर, कि साहब लोग बोले कि व्यवस्था से टोकन वाले लग जाइए तो टोकन नंबर से आपको खाद मिलेगी। अब यहाँ टोकन नंबर से खाद नहीं मिल रही है, यहाँ दलाल लोग टोकन अंदर जा के ले के अपने आदमी पहले घुसेड़ देते हैं, अब बीच में टोकन घुसेड़ते जा रहे हैं जैसे नंबर आ रहा है। दलाली के लिए पैसे भी मांगे जाते हैं? हाँ, दलाली के लिए पैसे भी मांगे जाते हैं, उनकी सेटिंग है, सब फोन में सेटिंग है। समर बहादुर सिंह, कहाँ से आए? कचूर, जेपी सीमेंट के पास। हमें चाहते हैं साहब कि लगे हुए अभी कॉल लगे रहे साहब, आज दिन रोज कल से, कल भी लगे थे, कल नहीं मिले। हाँ, कल यहाँ तक आ गए थे वो पेशेंट। और तो आज कब कै बजे आए हैं यहाँ? आज 5 बजे आए, सुबह से जी। अभी कुछ खाना पीना भी ना खाया? कुछ नहीं अभी साहब, खाना कहाँ खाइए, अब अकेले हैं, बच्चा लोग बाहर है। सर, क्या दिक्कत क्या रही है आपको खाद लेने में? क्या दिक्कत? अब हमारे घर गार्जियन हैं साहब, तो कोई जनानो वृद्धि है। ये तो इतना समय क्यों लग रहा है यहाँ पे? अब यही देखिए, भीड़ तो है साहब, भीड़ के कारण ना भर बीच का माल ले आ जाओ, बीचा जाते 5 बजे से काल हो आते एक ही खिड़की से मिल रही है, काल हो गए आज आ दूसर दिन हो, बस यही खिड़की से मिलती है, एक ही खिड़की है पूरे यहाँ। जी जी जी। कितनी बोरी खाद चाहिए आपको? अरे 5 सौ जैसे साहब, तो 5 से 10 चाहिए बस। 5-10 बोरी के लिए सुबह 5 बजे परेशान? 5 अबे मिल रही साहब। क्या नाम है आपका? राम नरेश सिंह कचूर। कहाँ से आए? कचूर जेपी फैक्ट्री के पास, कचूर है सर। यहाँ कब से लगे हुए हैं? हम लोग 3 बजे रात से लगे हुए हैं सर। अभी तक नहीं पहुँच पाए कोई, खाना भी नहीं, खाना सीम नहीं हुआ, तो खाना, वो खाना क्या खाएंगे? अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए। अरे पहुँच नहीं पाए, जिसका चलता वही उसको मिलता है, मैं किसी को मिलता ही नहीं है सब मर, जितनी लेडीज लगे कोई बिना खाए हुए बैठी हुई है, क्या कोई किसी को सुनता नहीं है? 3 बजे से हम लोग, 3 बजे से हम लोग बैठे हैं, बिना नियम के ले रहे हैं ना सर, यहाँ 1450 रुपये में से खुला बेचते हैं, 1450 रुपये में खुला, वहाँ 4 बजे के बाद बेचते हैं, टोकन देंगे तो 7 बजे के बाद टोकन देंगे,
उसको सगे संबंधी उनको टोकन देते हैं, किसी को टोकन देते ही नहीं है, हैं बाकी तो वो आए खाद नहीं है, सोमवार से आ रहा हूँ, आज बुधवार है, बुधवार की नहीं है खाद, किसी को नसीब नहीं हुआ, हम लोग क्या किसान क्या करें, हम लोग ग्राम पंचायत झलवास से सिमरिया विधानसभा से कोई सुनता नहीं है।